आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। वो गीतकार जिसने हमें दिया जिंदगी का फलसफा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वो गीतकार जिसने कहा कि दुनिया की तरफ मत देखो, बस अपनी मर्जी और अपना काम करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। आज के फनकार कार्यक्रम में आज यादें, गीतकार आनंद बख्शी की। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले अपनी जगह पर। प्यार है कायम घर की अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना। दोस्तों, आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी। जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्श फैंस के लिए। जरूर। सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया,
कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई। क्या बात है, ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा जी जी माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है जी। आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले, इसी बरस आई हिमालय की गोद में। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम। ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहे। आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी। शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ, और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो। राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं। बख्शी साहब का गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलेन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया। यस यस। एक तो अच्छा तो हम चलते हैं की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, वो बख्शी साहब
और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया। मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्या बात, तो ये वहां से वो बात निकली। अच्छा गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे जी, उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई नई फिल्म बना रहा हूँ तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी भाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, क्योंकि शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनके गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी, बोला रुक 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 कुछ लिखना है मुझे, और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर। हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर। ओहो, वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे हम सफर। क्या बात है, क्या बात है। दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शी साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक 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 मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपना उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सिगरेट पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, बंसरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। और तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली है दो हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी और मैंने ये गाना लिखा था तब, कि रुक तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हम से ना हो जाए। ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए। हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फुलगले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माय ब्रदर टू माय सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है संडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता,
होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो ईश्वर की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगिनिंग। बिल्कुल। तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना। क्या बात है, भले वो एक अंडा ही हो। क्या बात है। इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मैं मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया जी, और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्ब्स नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी है, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है जी। तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है। काम में और शौक में फर्क होता है। वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं लिखता। अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर? गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है। मैं समझता हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था, तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? दूसरा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, चाहेंगे हम अगर तू संग है, क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है। ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी के में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो। क्या बात है, क्या बात। काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्शी साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे। क्या बात। लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है, मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए। जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया। जीने का ना शौक रहे तो क्या रखा है जीने में, जीने का ना शौक रहे तो क्या रखा है जीने में, एक कैदी की तरह पड़ा है कब से दिल सीने में, पिंजरे का दरवाजा तोड़ पंछी को परवाज दो, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो, मुश्किल में है कौन किसी का समझो इस राज को, मुश्किल में है कौन किसी का। आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास। सुनो कहो, कहा सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं, सुनो कहो, अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या, ओ, अभी तो नहीं कुछ भी नहीं, अरे चली हवा झुकी घटा कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं। फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया,
और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं, और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। साल 2001, गदर फिल्म का ये गाना सुनिए। उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां बिया, ये छोटी सी जिंदगी दे रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आइए फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें। सन 1979, फिल्म अपनापन का ये गाना। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। सन 1982, फिल्म एक दूजे के लिए। नल्ला पाड़ रहा है क्या तुम? तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। सन 1996, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता सन 2000, फिल्म ताल। इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर अनजान डगर, साजन का घर का किसको खबर, छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या ये किसको पता, ये दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा। ये आनंद बख्शी ने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए हैं, आइए एक झलक सुने उनके गाए इस गाने की।
फिल्म का नाम है बालिका वधू। जगत मुसाफिर खाना लगा है आना जाना। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। रुत आए रुत जाए साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव। आनंद बख्शी को हमारा विनम्र नमन। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होंठों पे प्यास नहीं, हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। तुमने तो लूट लिया मुझे, तो मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।